वेलकम टू माय चैनल दीप्स किचन। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बादाम की बर्फी। इसके लिए फ्रेंड्स पहले मैं डालूंगी इसमें देसी घी। ये मैंने हाफ टेबल स्पून देसी घी डाला है इसमें, और साथ ही मैं अपने बादाम इसमें डाल दूंगी। और हल्का समय से बादाम को रोस्ट कर लूंगी ऑयल के अंदर, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए और ये खाने में अच्छे लगेंगे। ये मैंने 250 ग्राम के करीब खोया लिया है, ये मैं इसमें डालूंगी अब। और खोए को मैं हल्के से भून लूंगी। ये मैं लो फ्लेम पे करूंगी क्योंकि खोया जो है बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसे मैं लो फ्लेम पर ही बनाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से इसका ये भुन रहा है खोया। इसको फ्रेंड्स खोया भी कहते हैं, मावा भी कहते हैं। और ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूं मैं इसे। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन है आप उसे प्रेस करिए तो मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे। और आप उन वीडियोस को देख के बना सकते हैं, साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें ये हो गया है। अब मैं इसमें ये जो मेरा पिसा हुआ बादाम है इसे मैंने रोस्ट करके पीस लिया था, इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। ये एक कटोरी के करीब है, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है। और साथ ही मैं इसमें शक्कर डालूंगी, चीनी। शक्कर जो है, चीनी जो है वो हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारा मावा है, खोया जो है हमारा, वो भी मीठा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। ये मैंने 2 चम्मच के करीब चीनी डाली है, थोड़ी सी और डाल देती हूँ मैं, 2 से 2.5 चम्मच मैंने ये चीनी डाली है, जिससे कि ये बहुत ज्यादा भी मीठा नहीं होगा और ये ठीक रहेगा मीठा खाने में। इसको मैं अच्छे से सबको मिक्स कर दूंगी, एक साथ इसकी बाइंडिंग कर दूंगी। साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी, जिससे कि इसमें और अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्टी भी लगेगा ये खाने में। और इनको सबको मैं एक साथ भून लूंगी, इसमें मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बॉक्स ले लिया है, इसमें मैं देसी घी लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने देसी घी लेकर के ये इसमें अच्छे से मैं इस बॉक्स में चारों तरफ लगा लूंगी, जैसे कि जो मेरी बर्फी है वो आराम से इसमें सेट हो जाएगी पूरी बनके। ये देखिए मैंने फ्लेम अब बंद कर दी है और अब मैं इसको इसी में ही मिक्स कर लूंगी ये अच्छे से। और ये देखिए मेरी बर्फी बन गई है, अब मैं इसको बॉक्स में जमाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको पूरा प्रॉपरली इस पे जमाने के लिए स्प्रेड कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से प्रेस करके इसमें वो करूंगी, रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे पूरा प्रॉपर स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसमें इसको कटिंग कर रही हूँ इसकी, और साथ ही में मैं इसको भी डेकोरेट भी करूंगी। इसको मैंने काट लिया है, और साथ ही मैंने जो ये बादाम थे वो मैंने थोड़े से मैंने साइड में रख लिए थे, इसको भी मैं अब यहाँ पे एक एक बादाम इनमें भी बर्फी में सब में लगा दूंगी ऐसे। ये देखिए कितनी अच्छी लगेगी बनके। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बादाम की बर्फी बनके रेडी है, आप भी खाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू, बाय।